बीजेपी के एक नेता ने महाराष्ट्र सरकार पर बहुत बड़ा सवाल उठाया है, या यूं कहें कि उन्होंने उद्धव सरकार पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है। उनका दावा है कि शिवसेना जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई जांच के ऑर्डर नहीं दे रही है क्योंकि सुशांत सिंह बिहारी थे। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बहुत कुछ कहा है उद्धव सरकार के बारे में। अब क्या कुछ कहा है उन्होंने, हिंदुस्तान मिरर आपको बताएगा आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीजेपी नेता रवि तिवारी बिहारी लगातार इस केस में एक्टिव हैं और बार बार सुशांत सिंह के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उन्होंने 3 जुलाई को सुशांत केस के सभी सबूत की एक 28 पन्नों की रिपोर्ट बनाकर पीएमओ ऑफिस में भी दे दी थी। अब आपको बता दें कि रवि तिवारी जी उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने आवाज उठाई थी सुशांत सिंह के केस की सीबीआई जांच के लिए। और अब उन्होंने बहुत बड़ी बात यहां कह दी है कि पैसे और पावर के बल पर हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती है कि सुशांत केस की सीबीआई जांच हो, क्योंकि सुशांत सिंह एक बिहारी था। आपको पता होगा कि शिवसेना जो है महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, शिवसेना भी उनमें से एक है। और आपको बता दें कि शिवसेना शुरू से ही परपंतियों के खिलाफ रही है और महाराष्ट्र में जो बाहर से लोग आते थे उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन भी चलाया जाता था। अब रवि तिवारी जी का यही कहना है कि सुशांत सिंह जो था बिहार का था, बिहार से महाराष्ट्र आया था, इसीलिए शिवसेना नहीं चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच हो और उन्हें इंसाफ मिल सके। वहीं आगे उनका कहना है कि अगर महाराष्ट्र सरकार नहीं भी चाहेगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। वहीं एक और ट्वीट में बीजेपी नेता रवि तिवारी जी का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार चिंता मत करो, थोड़ा इंतजार करो, तुम्हारी ईंट का ईंट बजाऊंगा भाई साहब। वहीं रवि तिवारी जी का कहना है कि हम इंसाफ को लेकर ही रहेंगे चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। और उनका कहना है कि जब पूरे देश को लगता है कि सुशांत केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए तो महाराष्ट्र सरकार को क्या परेशानी है। अब वैसे तो छोटे छोटे केस में सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है, लेकिन इस मुद्दे में इतने सारे एविडेंस मिलने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार क्यों सीबीआई जांच के ऑर्डर नहीं दे रही है। अब आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दे। आगे रवि तिवारी जी ने फैन से अपील की है कि एकता बनाए रखें, आगे वो बहुत कुछ करेंगे सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए। अब अगर आप भी चाहते हैं कि सुशांत सिंह को इंसाफ मिले तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आपको सुशांत केस की हर एक आने वाली अपडेट जाननी है तो अभी सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर को। धन्यवाद।